कैसे एक नॉर्मल कपल बन गए इंसान के मांस के भूखे। मूवी के स्टार्टिंग पर हम एक मीट की शॉप को देखते हैं जिसे एक कपल चलाती है। वो लोग काम कर रहे होते हैं तभी उनके ऊपर वीगन्स हमला कर देते हैं। वीगन्स मतलब वो लोग जो कभी भी मीट नहीं खाते, मतलब जो लोग शाकाहारी थे। तभी विल्सन उनमें से एक के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे बचाकर यहां से ले जाता है। तो यहां पर हम इन दोनों के दोस्त को देखते हैं और इनके भी मीट की शॉप है, लेकिन इनका बिजनेस अभी बहुत जोर शोर से चल रहा था और वह लोग इनके सामने शो अप करने लगते हैं। तो ये देखकर जब वह लोग घर लौट रहे थे तभी रास्ते पर उन्हें वही वीगन्स लड़का दिखता है जो कि उनकी दुकान पर हमला किया था। तभी विल्सन उसके ऊपर गाड़ी चला देता है और मौके पर ही उस लड़के की मौत हो जाती है। तभी वो लोग सोचते हैं इस लाश का करे तो करे क्या, क्योंकि अगर इसे यहां पर ही छोड़ दिया जाए तो पकड़े जाने का रिस्क है। तो वो लोग इसे अपने साथ घर ले जाते हैं। रात में जब विल्सन उस बॉडी को काट कर फ्रिज पर रख रहा था तभी उसका डॉगी उस मीट का एक पीस खा लेता है। तो अगले दिन विल्सन देखता है उसकी बीवी इसी मांस को उनके कस्बे के पास बेच रहे थे। ये देखकर विल्सन घबरा जाता है और उसकी बीवी को बताता है कि उसी लड़के का मांस है जिसे हमने कल गाड़ी से उड़ाया था। तभी वो कस्टमर वापस उनके शॉप पर आता है जिसने आज सुबह ही उस लड़के का मांस खरीद कर ले गया था। वह बताता है आज का मीट बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और थोड़ा चाहिए। ये बात सुनकर वह लोग फिर से उन्हें उसी लड़के का मीट दे देते हैं। तो धीरे धीरे उनके शॉप पर कस्टमर की भीड़ लग जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर भी आकर उनका मीट खरीद के ले जाता है और वह बताता है यह मीट इतना स्वादिष्ट क्यों है। इसके जवाब में विल्सन बोलता है ये हमारा फैमिली सीक्रेट है। तो देखते ही देखते उस लड़के का सारा मीट बिक जाता है और रात में वह लोग भी इसका मीट टेस्ट करते हैं जिससे उन्हें भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अगले ही दिन उनकी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ उनके घर आती है। विल्सन की बीवी उसे एक डिश सर्व करता है लेकिन वो इसे खाता नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये भी एक वीगन है, यहाँ तक कि वह उनके लाए हुए केक को भी नहीं खाता। और तो और उनकी बेटी अब इसके साथ रहते हुए एक वीगन हो गई थी। अब वो दोनों मिलकर इन्हें बहुत बातें सुनाती है, एक तरह से इनकी इंसल्ट करने लगते हैं और ये सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो अगले दिन वह लोग उनके नए शिकार के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक गोलू मोलू वेटर दिखता है और वो भी एक वीगन था। तो उसकी बीवी उसे बहुत फोर्स करती है उस लड़के की शिकार करने के लिए। तो वो उसे मारने उसका हथियार लेकर जाता है पर उसे वो मार नहीं पाता।